मुरादाबाद अग्निपथ के विरोध में उतरी शिवसेना जिला कलेक्ट्रेट पर किया जोरदार प्रदर्शन। देश भर में चल रही अग्निपथ योजना के विरोध में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में अब राजनीतिक पार्टियां भी मैदान में उतर चुकी हैं, जिसको लेकर आज जिला प्रमुख शिवसेना के डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और जमकर सरकार विरोधी नारे भी लगाए और एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा। जानकारी देते हुए शिवसेना के जिला प्रमुख रामेश्वर दयाल तुरेहा ने बताया कि हम अग्निपथ योजना का जबरदस्त विरोध करते हैं, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश भर का युवा सड़कों पर उतर आया है। अग्निपथ को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, पूरे देश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द अग्निपथ जैसी योजना को तुरंत वापस लिया जाए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा, जिला प्रमुख शिवसेना मुरादाबाद। इस संबंध में प्रदर्शन किया जा रहा है? आज शिव सैनिक जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन में अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग करते हैं। ज्ञात हो कि अग्निपथ योजना युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने की एक राजनीतिक षड्यंत्र है, इसे तत्काल वापस लेना चाहिए। 4 साल में युवा रिटायर हो जाएगा, उसके बाद उसकी शादी भी नहीं होगी और ना कहीं उसकी नौकरी लगेगी। अतः विरोध कर रहा है इसका? जी आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध पूरा देश, पूरे देश का युवा सड़कों पर है। युवाओं में समझ है इतनी कि 4 साल नौकरी करने के बाद में युवा बेकार हो जाएगा। जब युवाओं को समझ है तो हम नेताओं को भी समझ आनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से खुद पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी सांसद का चुनाव लड़ने के बाद या विधायक का चुनाव लड़ने के बाद क्या वो प्रधान का चुनाव लड़ सकते हैं? क्या सभासद का चुनाव लड़ सकते हैं? वैसे ही ठीक ऐसे ही यही योजना है, जब युवा रिटायर हो जाएगा तो उसे कोई चपरासी की नौकरी भी नहीं देगा। क्या मांगे आप? हमारी मांग ये है कि ये योजना जो है अग्निपथ योजना है, इसे तत्काल सरकार को वापस लेना चाहिए। किसको ज्ञापन दे रहा है, किसके माध्यम? जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन है हमारा।